हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चैनल स्किजा ट्यूशन दे विच। प्रैपोजिशन का पार्ट 3 है जिहड़ा अपना स्टार्ट हो चुके है जी। पार्ट 1 आपां कर चुके हैं, पार्ट 2 भी आपां कर चुके हैं, पहुँच चुके हैं जी पार्ट 3 ते। अपने टैलीग्राम ग्रुप दे विच भी दस्या हो कि अपनी क्लास जिहड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो नाल ही तुहानूं दस दिए कि कोई भी जिहड़े भी सबजैक्ट है, मैथ, इंग्लिश, साइंस, SST, कोई भी जिहड़ा कोई भी लैक्चर ना छड्डो जी, क्योंकि सारी लैक्चर थोड़े एग्जाम लैवल दे है। देखो आप पार्ट 3 जिहड़ा स्टार्ट करन लगे हैं, लैक्चर जिहड़ा प्रैपोजिशन का लैक्चर 3 है अज अपना, उन्हों आप स्टार्ट करन लगे हैं। जिहड़े स्टूडेंट्स ने पिछले लैक्चर नहीं देखे जी, कोई भी भावें इंग्लिश है, भावें मैथ है या बाकी सब्जैक्ट्स है, तो जरूर देखो जी। तो आप स्टार्ट करते हैं प्रैपोजिशन। देखो अज का जिहड़ा पार्ट है प्रैपोजिशन का, अज का जिहड़ा लैक्चर है प्रैपोजिशन का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लैक्चर है। देखो जे मैं थानूँ सब तो पहले मेरी गल वल ध्यान दिओ, जे मैं थानूँ कहां कि अबव का की मतलब है, तुसी कहोगे कि सर उपर। जे मैं कहां ओवर का की मतलब है, तुसी कहोगे कि सर उपर। जे मैं कहां ओन का की मतलब है, तुसी कहोगे कि सर उपर। लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग थानू पता होना चाहिए कि एक ब्लैंक्स अगर आ गई तो उत्थे एग्जैक्ट अबव या ओवर या ओन तिना दे विचों की उत्थे लगेगा, थानू एग्जैक्ट है जिहड़ा वह पता होना चाहिए। तो ये अज आप पूरा इसे लैक्चर के अज के लैक्चर आप कवर करांगे जी। तो ये एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड होंगे है जिहड़े मैं थानू दस रहा है। तो फस्ट थोड़े सामने जिहड़ा रूल है जी अज के लैक्चर का, लैक्चर नंबर 3 है अज अपना प्रैपोजिशन का। तो देखो फस्ट वर्ड है बिसाइड, तो बिसाइड्स देखो सिर्फ एक एस नाल लग जाती है, तो उन्हें नाल ही इहदा जिहड़ा मीनिंग है वह चेंज हो जाता है, तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। देखो बिसाइड का मतलब हुंदा नाल, ते बिसाइड्स का मतलब हुंदा दे इलावा। बिसाइड्स का मतलब की हुंदा दे इलावा, तो बिसाइड्स का मतलब की हुंदा दे इलावा। इन एग्जाम्पल देखो जी, बिसाइड का मतलब हुंदा नाल नाल, ते बिसाइड्स का मतलब हुंदा दे इलावा, उस चीज़ नूं छड्ड के, मतलब उस चीज़ के इलावा। तो इन एग्जाम्पल देखो जी, थानूं चंगी तरह क्लीयर हो जाना बिसाइड ते बिसाइड्स। याद रखियो बिसाइड मतलब नाल नाल, ते बिसाइड्स का मतलब हुंदा दे इलावा। फस्ट की है ही सैट बिसाइड हिज मदर, और जी मदर दे नाल बैठा होया। ही हैज़ अ शॉप बिसाइड द स्कूल, स्कूल दे नाल जी उनकी शॉप है। आई हैव अ कार बिसाइड्स अ बाइक, बाइक तो इलावा मेरे को कार भी है। देखो बिसाइड का मतलब है नाल नाल, ते बिसाइड्स का मतलब है दे इलावा। देखो ये पूरा तुसी याद रखना है, बिसाइड का मतलब की है ते बिसाइड्स का मतलब की है। जे थानू इन्हां दोवां दे मीनिंग पता है फिर तुसी ऑप्शन नू मतलब पिक कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। क्लीयर है जी, अगे आप ब्लैंक्स भी करांगे मैं फिर दस दिना। बिसाइड का मतलब नाल नाल, बिसाइड्स का मतलब इलावा, दे इलावा। देखो नैक्सट जिहड़ा इंपोर्टेंट रूल जिहड़ा हुणे मैं तुहानू दस रहा सी वह आ गया जी। देखो अबव ओवर ते ओन की लिखिया जी, अबव ओवर ते ओन मतलब ओन कित्थे यूज हुंदा, अबव कितने यूज़ हुंदा है, तो ओवर कितने यूज़ हुंदा। देखो ओन तो आप अगे भी पिछले लैक्चर्स दे विच भी आप यूज़ कर चुके हैं ना, तो अज भी आप यूज़ करांगे। देखो ओन कितने यूज़ होगा, अबव कितने यूज़ होगा, ओवर कितने होगा, ध्यान नाल समझो मेरी गल नूं बड़े ध्यान नाल। जे ध्यान नाल ना समझिया तो समझो थानू समझ नहीं लगना। देखो ध्यान नाल देखो, देखो मेरे को एक मेज़ है, देखो मेरे को एक मेज़ है, मैं इतने मेज़ बना दिना। आ देखो आ की है जी मेज, आए दियाँ लत्तां मेज दियाँ, आ की है मेज दियाँ लत्तां, है ना, मतलब होंदियाँ चार लत्तां मेज दियाँ। मेज उत्ते पेन पिया, मेज उत्ते की पिया जी, आ देखो आ पेन है, मेज उत्ते की पिया पेन, मतलब की है मेरे समझाउण दा। पिक्चर मैं क्यों बनाई है कि जदों कोई भी, देखो जदों कोई भी जड़ी वस्तु है दूजी वस्तु उत्ते पई होगी, मतलब वो टच करूगी, तो उदो आप की लावे ओन लावे, उदो आप की लावे ओन। आ देखो इतने पिक्चर भी बनाई हुई है, देखो आे सामने जो कोई वस्तु है, देखो आ वस्तु उत्ते टच कर रही है, जो टच करूगी तो उत्ते की लावे ओन लावे। देखो पंजाबी दे विच भी मैं लिखा हुआ, इनू भी समझो, देखो ध्यान न समझते जाओ। जो कोई वस्तु किसी वस्तु के उपर हो टच कर रही हो, जिमें कि पेन जरा टेबल पर पिया हो, ओन का प्रयोग किया जाता, उत्थे किहदा प्रयोग किया जाता है, ओन का प्रयोग किया जाता है। क्लीयर है जी। हुण देखो नैक्सट, ये जो एग्जाम्पल करोगे ना थानू चंगी तरह क्लीयर हो जाना। देखो नैक्सट है कि जदों कोई वस्तु जिहड़ी टच ना होवे तां उत्थे अबव लावांगे। इहदी एग्जाम्पल, इहदी भी पिक्चर मैं थानू दसदा। आ देखो
आ उत्ते की है, देखो आ उपर है, आ रूम है ना, रूम की छत है, आ की है जी रूम की छत, आ सारी रूम की छत है ना, आ मैं बैठा, आ रोहित सर बैठे है, ते आ पखा लगे, की लगे पखा, पखे दे किन्ने पर होंगे है, तीन, हूँ तो चार भी आ गए, रिमोट कंट्रोल पखे आ गए, आ की है जी तीन लगे ना, पखा तो क्या सोहना बनया, यह ज़्यादा शायद ही किसी करे हो, देखो आ पखा लग्या है ना, हुण ये सानू टच नहीं कर रहा, पखा है जिहड़ा, मैं सिर्फ पखे की गल कर रहा, यह पखा सानू टच नहीं कर रहा है ना, पखा जे आपां नू टच करे तो समझो फिर की बनूगा, पखा सारयां दे उपर लगे ना सिर ते, आपां नू टच नहीं कर रहा, जो कोई चीज़ आ देखो इत्थे भी पिक्चर देखो, जो कोई चीज़ है जिहड़ी टच ना करे, देखो जो आ देखो इत्थे भी बनया होया ना, जो कोई टच ना करे चीज़ तो उत्थे आपां की यूज़ करांगे, उत्थे आपां अबव दा यूज़ करांगे, किहदा यूज़ करांगे जी, अबव दा यूज़ करांगे, जो एग्जाम्पल्स आएंगे ना थोड़ा चंगी तरह क्लीयर हो जूगा, उत्थे आपां की यूज़ करांगे, अबव दा यूज़ करांगे, मैं बिल्कुल आराम नाल समझा रहा कि थोड़ा चंगी तरह समझ लगे। नैक्सट देखो जी ओवर कित्थे करांगे, ओवर दा यूज़ कित्थे होगा, देखो एक चीज़ ध्यान नाल सुनो, मैं हुणे कहा सी ना मैं बैठा, आ देखो मैं बैठा है वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं बैठा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, मेरे उपर छत है, मेरे उपर की है छत है, छत, आ छत देखो, आ मेरे उपर सारी छत है, ये छत कहदे ते खड़ी है, दो कंधा ते खड़ी है, इधर भी कंध है, इधर भी कंध है, दो कंधा ते खड़ी है, मतलब इस छत ने मैनू चंगी तरह कवर किया होया, ये सोचो कि इस छत ने मैनू चंगी तरह कवर किया होया, मैं थोड़ा जहा हसता लवा, चलो मैं हसी जाना, देखो इस छत ने मैनू चंगी तरह की किया होया, कवर किया होया, जो कोई चीज़ आप चंगी तरह कवर कर लूगी, भावें वह देखो दो कंधा ते खड़ी हुई है, तो उदो आप यूज़ करांगे, उत्थे आप ओवर द यूज़ करांगे, किंदा यूज़ करांगे जी, उत्थे आप ओवर द यूज़ करांगे, देखो ध्यान नाल देखो, उत्थे आप यूज़ करांगे, उत्थे आप ओवर द यूज़ करांगे, उत्थे की आएगा जी ओवर, तो उत्थे की आएगा ओवर आएगा, आ देखो, आ देखो आ विचाले की पई है चीज़ पई है, आ उपर देखो उन्हें कवर किया उन्हें सपोर्ट भी मिली जा रही है, उन्हें सपोर्ट भी मिली जा रही है, तो उत्थे देखो जो कोई वस्तु नूं चंगी तरह किसी वस्तु द्वारा टकया गया होवे तो उत्थे की यूज़ करांगे ओवर यूज़ करांगे, तो हुण क्लीयर है जी थानू तिन्हां नूं, तिन्ने डिफरेंस जिहड़ा थानू क्लीयर है ना, कि ओन कित्थे यूज़ होगा, अब अबव कित्थे यूज़ होगा, तो ओवर कित्थे यूज़ होगा, हुण एग्जाम्पल देखो, जो एग्जाम्पल्स देखोगे थानू चंगी तरह जिहड़ा की हो जाना जी क्लीयर हो जाना, देखो एग्जाम्पल देखो ध्यान नाल देखो, देयर इज़ अ कैप डैश हिज हैड, हैड नाल देखो जिहड़ी कैप है, आ देखो आ मैं बैठा मेरे उत्ते कैप है, देखो कैप तो मेरे हैड नूं छू रही है ना, क्योंकि मेरे हैड दे उपर है ना, तो आपां की लाता ओन लाता। नैक्सट देखो द कुली वाज केयरिंग अ बैग ओन हिज हैड, देखो जिहड़ा कुली है उन्हें कैरी किया होया, उन्हें कैरी किया ना बैग आपके सिर उपर रखा होया, तो वह भी सिर नूं छू रहा ना, तो ओन लग गया। द रूफ, रूफ का मतलब हुंदा छत, आ रूफ का की है जी, रूफ का मतलब की हुंदा छत, छत इज़ डैश यूअर हैड, देखो थोड़े हैड नूं छत ने चंगी तरह कवर किया होया, मतलब सारे मतलब कवर किया होया ना, देखो आ छत नूं थोड़े हैड ने चंगी तरह कवर किया, तो छत जिहड़ी होर कंधा ते खड़ी हुई है, तो उत्थे आपां की लाता ओवर लाता, सारे चंगी तरह देखते जाओ जी, उत्थे आपां की लाता ओवर। नैक्सट की है द बुक इज़ डैश द टेबल, बुक टेबल उपर की है पई है, मतलब उन्हूं छू रही है, तो उत्थे की आ गया ओन। नैक्सट देखो द फैन इज़ डैश, फैन की है, सानू छू तो नहीं ना रहा, फैन ने ना तो सानू कवर किया ना सारा, देखो ये सोचो भी सारी कंध उत्ते फैन नहीं है ना, फैन तो देखो एक एक थां ते आ, देखो एक थां ते है फैन, तो वह सानू छू भी नहीं रहा, तो उत्थे की लाता आपां अबव लाता, उत्थे की ला दिता जी आपां अबव लाता। क्लीयर है जी थानू सारयां नूं, मैनूं ये दसो कमेंट करके कि सर क्लीयर हो गया, ओन अबव ते ओवर, ओन अबव ते ओवर, देखो यही जे जेडे वर्ड हुंदे ना, एहो जे वर्ड यही आपां नूं कन्फ्यूज़ करदे आ, इन्हां दा डिफरेंस ही आपां नूं कन्फ्यूज़ करदा, रज के कन्फ्यूज़ करदा कि कित्थे अबव लगेगा कित्थे ओवर लगेगा। क्लीयर है, नैक्सट देखो ये डिफिकल्ट नहीं है, मैं थानू पहलां भी कहा सी, आ जिहड़ा नोट है ना, देखो नोट का मतलब की लिखा हुआ ध्यान नाल समझते जाओ, नोट का मतलब है कि अबव का प्रयोग संख्या विच ज़्यादा
मोर दैन नंबर के अर्थों में भी किया जाता, मोर दैन मतलब किसी चीज़ का वध होना, संख्या के ज़्यादा होना, तो उत्थे भी की लावांगे आपां अबव लावांगे। देखो इहदी एग्जाम्पल देखो, देखो हिज इनकम इज़ अबव 10,000, जदों अबव की गल आ गई ना संख्या के ज़्यादा 10,000 तो ज़्यादा, तो उत्थे की लाता आपां अबव लावांगे, ठीक है, उत्थे की लावांगे आपां अबव। नैक्सट की है, देयर आर अबव 100 स्टूडेंट इन द क्लास, क्योंकि संख्या है ना स्टूडेंट की संख्या, जदों भी संख्या की गल आऊगी ना उत्थे अबव लावांगे। स्टूडेंट की है जी, संख्या दे विच हुंदे आ ना, स्टूडेंट की हुंदे आ संख्या दे विच, तो उत्थे आपां की ला दिता अबव, मोर दैन नंबर, ठीक है। हुण आपां पढ़दे हां जी ओवर। देखो मैं तुहानूं इह तां कहता कि ओवर आपां कित्थे लगूगा, जिथे आपां नूं कवर कर लिया, लेकिन ओवर नाल जुड़े हुए कुछ कु होर भी रूल हैगे है जिन्हां नूं आपां कवर करना। देखो किहड़े किहड़े रूल है जिहड़े ओवर दे नाल जुड़े हुए है, देखो ओवर, ये ना सोचो रूल लिमिटेड नहीं होंगे, प्रैपोजिशन के रूल लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, तो ओवर का प्रयोग कितने कितने होगा। देखो जी ओवर का प्रयोग, ओवर वास्ते होर भी रूल है, ध्यान नाल सुनो ये रूल बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो ओवर का प्रयोग एज वास्ते, जदों किसी दर्शाना हो, देखो आप बोलते ना ओवर एज, तुसी इत्थे देखो जो एग्जाम क्वालीफाई हो जाए, बट गोरमेंट कह दे थोड़ी तो एज ही ओवर है, तो उत्थे आप कहेंगे ओवर एज। याद रखो एज दे लई भी आपां की यूज़ करांगे, ओवर नू यूज़ करांगे। वैसे देखो आप बोलते डेली लाइफ दे विच है कि इहदी उम्र है जिहड़ी ओह ओवर एज हो चुकी है, ये बंदा जिहड़ा ओवर एज हो चुकिया है, ये परसन है जिहड़ा ये ओवर एज हो चुकिया है, बट अगर यही आपां नू एग्जाम च आ जाए आपां उत्थे नहीं इन्ना सोच सकते। जे हुण मैं तुहानू दसता तुसी आराम नाल सोच लोगे, तो ओवर एज, एज वास्ते भी की यूज़ किया जाता ओवर, टैंपरेचर का माप करन वास्ते भी की यूज़ किया जाता ओवर, किसी प्लेस के आस पास, देखो कोई भी अपने प्लेस है ना उसके आस पास की चीज़ को दर्शाने वास्ते भी की किया जाता ओवर का यूज़ किया जाता है। वस्तु को पूरी तरह ढकन वास्ते, मैं तो हूँ ही तुहानू दस के हटिया ना, वस्तु को पूरी तरह ढकन वास्ते की किया जाता ओवर का यूज़ किया जाता है। अगों की है दे उपर, उपर की सेंस भी आपां नूं ओवर दिंदा है, जे आपां आपां पूरे समूह नूं दर्शाना होवे ना ओवर का मतलब, पूरे समूह नूं पूरे संपूर्ण गल करनी होवे, पूरे समूह नूं दर्शाना होवे, जदों एग्जाम्पल करोगे ना अगे तुहानू ज़्यादा क्लीयर हो जूगा, उत्थे भी आपां ओवर का जिहड़ा प्रयोग करांगे। लास्ट रूल की है, पीरियड ऑफ टाइम, जदों कोई पीरियड ऑफ टाइम खत्म होण वाला होवे ना, है ना, उदों भी आपां की यूज़ करांगे, ओवर का प्रयोग करांगे। हुण एग्जाम्पल देखो तुहानू सारे चंगी तरह क्लीयर हो जाएंगे। देखो एग्जाम्पल की है, ही इज़ 20-25, ओवर 25, तो ही इज़ ओवर 25, एज की गल की आप लाता ओवर लाता। अगला देखो, द टैंपरेचर इज़ -35 degrees सैलसीयस, तो इतने की आ गया ओवर 35 degrees, जदों भी आप टैंपरेचर की गल की लाता ओवर लाता। नैक्सट की है, देयर इज़ कूल ओवर हेयर, इतने प्लेस की गल हुई है, हेयर का मतलब है इतने, तो पूरे प्लेस है, देखो थोड़ा जिथे तुम बैठे हो ना वो आसे पासे पूरा मौसम की है ठंडा है, तो उत्थे आप यूज़ करांगे ओवर, देयर इज़ कूल ओवर हेयर, की लिखा है ओवर हेयर। देखो प्लेस दे आस पास की गल कर रहे हैं इतने, ता करके आप ओवर लाता। नैक्सट की है जी, वस्तु नूं मैं हुणे कहा सी ना ढकन लई, तो देयर इज़ एन अंबरेला, डैश इज़ हैड, पूरे हैड उपर अंबरेला, तो वस्तु नूं ढकन लई आप की लाता ओवर लाता, तो वस्तु नूं ढकन लई आप की लाता ओवर, क्योंकि हैड ढकना ना आप पूरा वस्तु ढकनी है आप, अंबरेला नाल ढकी जाऊगी, तो उत्थे आप की ला दिता ओवर ला दिता। नैक्सट देखो जी, देखो इत्थे की है, संपूर्ण, जदों मैं तुहानूं हुणे कहिंदा संपूर्ण जां समूह की गल करदे आ, तां उहदी एग्जाम्पल देखो, प्लीज़ स्प्रैड द क्लोथ डैश द टेबल। देखो जे मैं तुहानूं कहां कि स्प्रैड कर दो, की कर दो, टेबल उत्ते, टेबल उत्ते आ टेबल है, इहदे उत्ते सारा कपड़ा स्प्रैड कर दो, तो इहदा मतलब पूरा टेबल ढकिया जाऊगा ना, तो इत्थे आपां की लावांगे ओवर लावांगे, इत्थे की लावांगे ओवर। हुण जे मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल देवां, प्लीज़ पुट द क्लोथ डैश द टेबल, पुट का मतलब हुंदा रख दो, इहदा मतलब टेबल उत्ते क्लोथ रखना है, आपां रखना है, मतलब जे रखांगे तो मतलब दोवें छू जाणगे ना आपस दे विच, पूरा टेबल जिहड़ा ढकिया तो नहीं ना जाना, तो उहदे उत्ते जदों रख दांगे तो उत्थे की आऊगा, उत्थे की सेंस आ रही है ओन दी, पुट द, प्लीज़ पुट द क्लोथ ओन द टेबल, तो उत्थे की आ गया ओने, तुसी सेंस नूं समझना होगा। नैक्सट देखो जी, जदों पीरियड ऑफ टाइम, देखो जदों पीरियड ऑफ टाइम जिहड़ा होवे खत्म होने वाला,
उदों भी आप यूज़ करांगे ओवर। देखो द क्लास इज़ ओवर एट 6 PM, मतलब क्लास किन्ने बजे ख़त्म होनी है 6 बजे। तो जो कोई पीरियड ऑफ टाइम भी जेड़ा आप बोलते ना क्लास इज़ ओवर आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनटों बाद क्लास ने ख़त्म हो जाना है, तो उदों भी आप यूज़ करांगे ओवर। तो हूँ एक नोट ओवर वाला भी है जिमें आप अबव वाला किया। देखो जो कोई चीज़ की जी जरूरत तो ज़्यादा हो अपने को जरूरत तो ज़्यादा की होंगी है जरूरत तो ज़्यादा तो उदों की लावे ओवर जरूरत तो ज़्यादा। देखो एग्जाम्पल की है ओवर ईटिंग ज़्यादा खाना बहुत ज़्यादा, ओवर वाइज बहुत ज़्यादा सियाना होना जिंदी लोड़ नहीं इन्ना सियाना होना, ओवर केयरफुल ओवर बिजी मेरे वर्गा ओवर बिजी जिंदी लोड़ नहीं असलों ही ज़्यादा बिजी, ओवर स्मार्ट ओवर स्मार्ट ये सारे वर्ड यूज़ कर देंगे ना जो किसी दर्शाना हो जो लोड़ तो ज़्यादा हो ना, ओवर स्मार्ट भी कई होंगे है लोड़ तो ज़्यादा स्मार्ट, ओवर बिजी भी कई होंगे मेरे वर्ग ज़्यादा ही बिजी, ओवर केयरफुल ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा खाने वाले, ओवर वाइज ठीक है। तो उत्थे आप जो कोई ज़्यादा ही मतलब लोड़ तो ज़्यादा दी सेंस दसनी होवे उत्थे भी ओवर यूज़ करांगे। हुण देखो तुहानू मैं सारे रूल करवा दिते तो हुण तुसी की करो मैनू ब्लैंक्स दसो की आनी है। देखो फस्ट ब्लैंक्स की है देयर इज़ क्लाउड डैश द वैसटर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ऑप्शन ए अबव ऑप्शन बी ऑन ऑप्शन सी ओवर ऑप्शन डी ऑफ, दसो की आएगा। दिमाग लाओ वध तो वध की होजूगा जी गलत होजूगा बट सोचो की आ सकता है। देयर इज़ क्लाउड देखो आ थोड़ा मन के चलो पूरा एक घर है ना, घर है ना आ घर है थोड़ा आ तो होर ही कुछ बन गया घर, देखो आ थोड़ा घर है, देखो घर बच्चे यही बना देंगे ना कोठी, देखो आ थोड़ी कोठी है इन्हें उपर की है क्लाउड है आ की है क्लाउड इन्हें उपर की है क्लाउड आ सारे क्लाउड है ना, क्योंकि कल्ली कोठी उत्ते तो बारिश नहीं ना आनी पूरे एरिए दे विच बारिश आऊगी है ना, तो फिर जो पूरे एरिए नू कवर किया ना क्लाउड्स ने तो उत्थे आप की यूज़ करांगे ओवर, उत्थे की यूज़ करांगे ओवर। देयर इज़ क्लाउड ओवर द वैस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है बिल्कुल ऑप्शन नंबर की आ गया जी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लो दोबारा देख लियो लैक्चर एक बार चंगी तरह क्लियर हो जाना है सारा कुछ ठीक है, बिल्कुल ईजी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैक्चर है। द मोबाइल जब सीधा लिखा हुआ है मोबाइल इज डैश द टेबल अबव द टेबल ओवर द टेबल ऑन द टेबल इन द टेबल, दसो की आएगा। आप ही सोच लो अगर यही क्वेश्चन एग्जाम च हुंदा यही क्वेश्चन एग्जाम च आ जाता उत्थे की तुसीं सोचदे भी मोबाइल जेड़ा टेबल दे उपर है असी अबव ला दीए कि ओवर ला दीए कि ऑन ला दीए, कई इन भी ला आते क्योंकि ये सोच के भी मोबाइल टेबल दे विच है ना, तो सोचो की आऊगा मोबाइल इज डैश द टेबल, दसो मैं मोबाइल क्योंकि शूर है ना आ टेबल उपर पे है ना मोबाइल तो ऑन द टेबल की आ गया ऑन द टेबल ऑप्शन नंबर सी आ गया। चंगी तरह देखो आप ही देख लो किन्ने इंपॉर्टेंट लैक्चर है थोड़े है ना किन्नी नॉलेज है इन्हों के एक कमेंट जरूर कर दिया करो जी। नैक्सट देखो द बर्ड डैश फ्लाइंग द ट्री द बर्ड डैश द बर्ड इज़ फ्लाइंग डैश द ट्री द बर्ड इज़ फ्लाइंग डैश द ट्री, दसो मैं की आएगा। द बर्ड इज़ फ्लाइंग डैश द ट्री ऑप्शन ए अबव द ट्री ऑप्शन सी ओवर द ट्री ऑप्शन सी ऑन द ट्री ऑप्शन डी अबाउट द ट्री, दसो की आ गया जी। द बर्ड इज फ्लाइंग डैश द ट्री, इतने देखो आ थोड़े को देखो आ की बनया हो थोड़े को बनया हो पेड़ आ पेड़ बने ना इतने की इन्हें इन्हें उत्ते की तुरे फिरते हैं बर्ड की है फ्लाई कर रहे हैं इन्हें उपर है ना इन्हें उपर बर्ड फ्लाई कर रहे मतलब पेड़ नू नहीं छू रहे आपां नूं ये नहीं ना इतने सेंस दस रहे कि वह पेड़ नूं छू रहे है पेड़ नूं नहीं ना छू रहे पेड़ के उपर उपर है पेड़ के उपर उपर है ना जिवे मैं कहा सी इत्थे मैं बैठा उपर मेरे पखा चल रहे है वो एक थां ते पखा चल रहे है ना तो बर्ड जिहड़े एक थां ते जिहड़े उड रहे है ना तो इहदे लई आपां की यूज़ करांगे अबव की यूज़ करांगे अबव। द बर्ड इज़ फ्लाइंग अबव द ट्री ठीक है क्योंकि ये भी नहीं है कि वह बहुत ज़्यादा मतलब आपां नूं उत्ते कवर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मतलब वो कवर कर रहे हैं एक चीज़ नूं है ना
ये भी नहीं ना सेंस है, क्योंकि एक पेड़ है, पेड़ के उपर वो की कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, मतलब एक थान से वो उड़ रहे हैं, पेड़ के उपर उड़ रहे हैं ना, तो फिर उत्थे की आएगा, अबव आएगा। क्लीयर है जी। नैक्सट देखो, नैक्सट देखो, नैक्सट, स्प्रैड द बैडशीट डैश द बैड। ऑप्शन ए अबव द बैड, ऑप्शन बी ओवर द बैड, ऑप्शन सी ओन द बैड, ऑप्शन डी इन द बैड। दसो, स्प्रैड द बैडशीट डैश द बैड। देखो आ थोड़ा बैड है, देखो आ थोड़ा बैड है, बैड किवें बनूँ, आप थोड़ा बैड है ना, आ थोड़ा बैड है, आ थोड़ा बैड है ना, इनियाँ लत्तां है बैड दियाँ है, आ थोड़ा बैड है, आ थोड़ा बैड है। मैं हूँ थोड़ा कह रहा कि बैड के उपर चादर नू बिछा दो, इन्हें मतलब जो तुसी बैड के उपर चादर बिछाओगे पूरा बैड ही कवर करोगे ना, पूरा बैड ही नू की करोगे कवर करोगे, बैड के उपर रखोगे तो नहीं ना। तो जो मैं थोड़ा कहा टेबल में पूरी तरह नाल बैड मतलब जी चादर है टेबल उत्ते बिछा दो, पूरा टेबल जो टकया जाऊगा, तो टकन की जो सेंस आई सी तो मैं थोड़ा कहा उ की आएगा ओवर द स्प्रैड द बैडशीट ओवर द बैड। क्लीयर, बिल्कुल ईजी। नैक्सट देखो, नैक्सट की है, द ब्रिज वाज बिलेट डैश द रिवर। द ब्रिज वाज बिलेट डैश द रिवर। ऑप्शन ए अबव द रिवर, ऑप्शन बी ओवर द रिवर, ऑप्शन सी ओन द रिवर, ऑप्शन डी ऑफ द रिवर। देखो आ रिवर जा रही है, आ रिवर जा रही है, आ रिवर जा रही है ना, आ रिवर जा रही है, की जा रही है, रिवर। रिवर नू की कहिंदे पंजाबी च, रिवर मतलब नदी, आ नदी जा रही है, इंज करके नदी जा रही है, आ सारी नदी है, ध्यान नाल देख लो, नदी, दिस इज़ अ नदी, दिस इज़ अ रिवर, रिवर जा रही है ना, सारी रिवर जा रही है। दसो मैनू आंसर, मैं तो रिवर बना रहा मैनू आंसर दसो, मैं तो तुहानू थोड़ा एंटरटेनमेंट कर रहा, मैनू आंसर सोच के दसो की आएगा, जल्दी नाल दसो जी की आएगा, की लगता थानू इतने की आएगा, जल्दी नाल दसो, दसो जी की आएगा। देखो इनू देखो, मैं कहा सी ना कि जो किसी वस्तु नू देखो, इनू इनू किसी ब्रिज ने की किया हो, देखो इधरों ब्रिज शुरू होया, देखो इतने ब्रिज की एक इतने लत्त है ना, इतने ब्रिज की एक लत्त है, तो इतों ब्रिज उपर नू जाऊगा है ना, उपर नू जाऊगा ना, इतों ऐ जाऊगा जा इतों लह जाऊगा थले, मतलब पूरी तरह नाल नदी नू की कर दूगा, ब्रिज कवर कर दूगा, तो ये खड़ा भी हो जिमें मैं थोड़ा कहा कि जी छत के थले आप बैठे हैं, तो छत दो थावां ते मतलब दो कंधा ते खड़ी है, तो ब्रिज भी अक्सर तो दो कंधा ते खड़ा ही होगा ना, ब्रिज भी अक्सर ये नहीं कि पानी के ब्रिज तैर रहा होगा, दो कंधा के ब्रिज खड़ा होगा तो उदों आप की लावांगे ओवर लावांगे, तो उदों की लावांगे ओवर। तो की आ गया जी ऑप्शन नंबर बी आ गया, जो मैं थोड़ा कहा पूरी तरह चीज़ को कवर कर लो, तो जी जी चीज़ नाल कवर करो वो जी आसे पासे की हो किसी चीज़ से खड़ी होवे, जब पूरी तरह नाल जिमें बदलों की गल की उन्हें चंगी तरह उपर स्प्रैड हो जाता छा जाते हैं, ठीक है पूरी तरह, तो ये की आ गया जी ओवर, ठीक है। इतने की आ गया अपने को ओवर द रिवर, रिवर के बिल्कुल उपर मतलब जोड़ा कि बनया हूँ ब्रिज, तो ब्रिज दत्त भी होंगे थानू पता जिंद उत्ते ब्रिज जोड़ा खड़ा हों, ठीक है, तो करके आप लाता इतने ओवर ला दिता कि पूरी तरह नदी में जोड़ा कवर कर जाता ब्रिज। तो नैक्सट देखो, नैक्सट देखो, नैक्सट की है, नैक्सट की है, देयर वाज अ समॉल टेबल डैश द बैड ऑन विच देयर वाज अ बुक। ऑप्शन ए बिसाइड, ऑप्शन बी बिसाइड्स, ऑप्शन सी अबव, ऑप्शन डी ओवर। देखो की क्या, देयर वाज अ समॉल टेबल डैश द बैड ऑन विच देयर वाज अ बुक, बिल्कुल ईजी। एक मतलब वो कह रहा कि समॉल टेबल सी जो बैड दे डैश सी जिन्हें बहुत की सगिया बुक्स सगिया, ऑन विच देयर वाज अ बुक। देखो जे मैं कह कि मेरे बैड को एक समॉल टेबल सी, कोल दी सेंस आ गई ना, कोल दी सेंस आ गई, तो बिसाइड लावांगे, तो ऑप्शन ए ला देंगे बिसाइड, क्योंकि बिसाइड्स का मतलब तो इलावा होंगे, तो कोल दी सेंस आ गई ना कि मेरे बैड के कोल एक की सी टेबल सी, की आ गया बिसाइड। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी थोड़ा सारिआं दा, किवें लग्या थानू एक कमेंट करके मैनू जरूर दस्यो, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, होर भी थोड़े लिए लैक्चर लैके आवांगे,
बहुत वधिया लैक्चर ला लैके आवांगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।